नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं इस जीजी प्लांट की केयर टिप्स बताने जा रही हूं कि कैसे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, इसमें नए नए बल्ब इसमें डेवलप हों। उस डेवलपमेंट के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मेरे साथ अंत तक बने रहें तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। और अगर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आधी अधूरी नॉलेज अच्छी नहीं होती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों को, मेरे यूट्यूब परिवार को। और फ्रेंड्स, इसके बल्ब से ही जब ये डेवलप होता है तो इसकी मैं पूरी केयर टिप्स बताऊँगी। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर मेरा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोई से नए नए आइडियाज़ लेकर के आपके साथ में आती रहती हूं और नए नए आइडियाज़ देती रहती हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक ऐसे बने रहें। ये जो जीजी प्लांट है, एक प्लांट था, एक प्लांट से मैंने 5 प्लांट तैयार किए हैं। और ये काफ़ी महंगा पौधा आता है, जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं वो लोग जानते होंगे कि जीजी प्लांट कितना महंगा प्लांट आता है। बिल्कुल इंडोर प्लांट है, अंधेरे में चल सकता है, ये बेडरूम में भी रखा जा सकता है, ये डाइनिंग रूम में भी रखा जा सकता है, ये ऑफिस में भी रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिर्फ इसमें पानी की केयर करने की ज़रूरत होती है। और जब ये ऊपर से सूखता हुआ चला आता है तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें ऊपरी से सूखेगा तभी आपको पता चलेगा। ये बल्ब से बहुत कम सूखता है, क्योंकि बल्ब इसमें इतना पानी होल्ड करके रखता है। इसमें आप महीनों पानी नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ्रेंड्स, मेरा बल्ब बिल्कुल सूख गया था, मर गया था एकदम से। तो मैंने इसको साइड से निकाल करके, ये जो हुंडे में आप देख रहे होंगे, तो इसको निकाल के मैंने इसमें ज़िंदा कर लिया। और इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल बेलरन बनाई जाती है। आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्लांट से मैंने कैसे इतने प्लांट तैयार किए हैं। और ये जब मैं आप लोगों को अंदर रूमों से निकाल करके ले आई हूँ, तब मैं यहाँ पर रख करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद में, क्योंकि वहाँ तो अंधेरा रहता है तो इतना वीडियो अच्छा नहीं होता। और फ्रेंड्स, इसमें समय समय पे सावरिंग जरूर करते रहें। इसमें क्या करें, ये देखिए फ्रेंड्स, साफ है, जो साफ कंपनी का जो फंगीसाइड आता है, तो फंगीसाइड को इसमें पानी में मिला लें। ये 3-4 चुटकी थोड़े से पानी में मिला लें। मिलाने के बाद इसमें फिर इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हिला लेंगे बंद करके बोतल को। और ये देखिए, जो हाथ इधर उधर लगे दिख रहे होंगे, तो पौधे किसी तरह से ये छाया करता, बहुत ऐसे केयर करता है ये। ये फंगीसाइड के लिए बिल्कुल रामबाण है, साफ कंपनी का। और आप लोग घर में भी बना सकते हैं फंगीसाइड, बहुत आराम से बनता है फ्रेंड्स। और ये इसको सेक करके, इसको हिला करके फिर इसमें क्या करें, इसमें सावरिंग कर दें। तो ये जब लीप्स से जो इसमें धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो इससे लीप्स से ही इसको अपना भोजन लेते हैं ये लोग। और ये इसमें पानी, जब मिट्टी में पानी जब डालें तो ये फंगीसाइड का ही पानी डालें। और फिर महीनों के लिए फुर्सत हो जाए, कम से कम अगर खुला वातावरण है तो कम से कम इसमें 15 रोज तक जो है कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि जगह जगह पर रूट्स और डेवलप हो रहे हैं इसमें। कुछ ख़राब भी हो जाते हैं तो उनको हटाना पड़ जाता है, और ये कुछ डेवलप भी हो रहे हैं, बहुत बल्ब से डेवलप हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये कभी भी फिर ट्रांसफ़र करने की नौबत आएगी इनके। बहुत जैसे उसके बल्ब होते हैं, ये लहसुन की बिल्कुल बल्ब होते हैं, उस तरह से इसके बल्ब होते हैं। लहसुन के मान लीजिए या लिली के मान लीजिए, इस तरह से इसमें बल्ब होते हैं।
तो उसी को लगा दिया जाता है फ्रेंड्स, और उसमें फिर इसी में धीरे धीरे रूट्स बनते रहते हैं। और मिट्टी को ऐसे बनाए कि बेल्डन मिट्टी बनाए, अगर बाई चांस ज़्यादा पानी भी पड़ जाता है तो पौधा पानी सॉरी तुरंत निकल जाए, वैसा ही पानी इसमें मतलब जो है मिट्टी को बनाए। और ज़्यादा कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो इसमें यही फंगीसाइड की ही ज़रूरत होती है, जो फंगीसाइड इसको बचा करके रखता है। तो ये फ्रेंड्स इसको ऐसे सावरिंग समय समय पर सावरिंग करते रहें, 10-15 दिन में सावरिंग ज़रूर कर दें। और अगर ऐसे पानी डालेंगे तो पत्तियां जब साफ नहीं होंगी तो पत्तियों के थ्रू इनको खाद पानी नहीं मिल पाएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है, और एक दिन के लिए मैं यहीं पर छोड़ दूँगी। और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।